हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एडवांस कला में। दोस्तों, आज हम ये वेस्ट पड़े हुए छोटे से टुकड़े का रीयूज करेंगे। अब देखिए, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है और इसका नाप है 9 बाय 6.5 इंचेस। अब इसी के नाप से मैंने ये बोरी का कपड़ा ले लिया है। ये देखिए, राइस बोरी भी चलेगी या कोई भी चलेगी, और अगर आपको फोम डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो इसको हमें इसी के नाप से लिया है, तो हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और स्टिच स्टार्ट कर देंगे और इसको हम जोड़ देंगे। तो देखिए, मैंने दोनों पार्ट को जोड़ लिया है। अब हमें इस तरीके का एम्ब्रॉयडरी किया हुआ पेज लेना है। आपके पास नहीं है तो कोई भी आपके पास एम्ब्रॉयडरी किया हुआ पेज चलेगा, या फिर आप प्रिंटेड कपड़े को स्क्वायर में कट करके भी लगा सकती हैं, और कुछ नहीं लगाना तो भी चलेगा। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके पूरे राउंड में स्टिच करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेंटर में इसको अटैच कर लेंगे। अब देखिए, पेज को हमने अटैच कर लिया है। अब हमें हैंगर अटैच करने हैं, तो ये देखिए मैंने इस तरीके के हैंगर कट किए हैं। मेरा कपड़ा कम है इसीलिए मैंने ऐसे हैंगर लिए हैं। आप कपड़ा भी यूज कर सकती हैं, और ऐसे बाजार में आसानी से लेस मिल जाएगी जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो ये 15 इंचेस के हैंगर है, और आपको अपने अकॉर्डिंग जितना रखना है वहां पे आप रख सकती हैं। और मैं इस तरीके से इसको रख के यहाँ पे और यहाँ पे स्टिच कर लूंगी। अब देखिए, मैंने हैंगर को अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जिप कट करनी है हमें ऐसी दो। और इसका नाप हमें कैसे लेना है, तो ये जो नाप है उससे हमें दोनों साइड 1 इंचेस कम कट करनी है। जैसे हमें दोनों साइड से 1 इंचेस कम करना है, और फिर जो नाप आता है उसी जिप कट करना है। तो इसका नाप मैं आपको बताती हूँ, इसका नाप है 7 इंचेस। अब हमें ऐसे 3 पार्ट कट करने हैं, कोई भी कपड़ा चलेगा। तो इसका नाप है 6 बाय 9 इंचेस। अब हमें एक पार्ट को लेना है और इसको सेंटर में ऐसे रखना है और सीधे स्टिच करना है। उसके बाद हमें दूसरी जिप को लेना है और इसके ऊपर ऐसे रखना है और सीधा स्टिच करना है। तो देखिए, हमने दोनों साइड जिप को अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक ऐसी पतली सी पट्टी लेनी है, इसको ऐसे फोल्ड करना है और हमें सीधे स्टिच करना है यहाँ पे, और इसको फोल्ड करके यहाँ पे भी हमें स्टिच करके इसको अटैच करना है। तो देखिए, यहाँ पे हमने इसको पट्टी को अटैच कर लिया है। अब दो पार्ट हमारा जो है उसको लेना है। एक पार्ट को हमें इस तरीके से, ये ऊपर की जिप है वहां पे स्टिच करना है सीधे, और दूसरे पार्ट को भी दूसरी साइड यहाँ पे हमें जोड़ लेना है ऐसे। अब देखिए, दोनों पार्ट को हमने अटैच कर लिया है। अब हम जिप में रनर को इन करेंगे, तो इसको ऐसे ओपन करना है जिप को, तो इस तरीके से हम रनर को इन कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो तीनों पार्ट है उसको एक साथ पकड़ना है और साइड में स्टिच करना है यहां तक, और दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही स्टिच करना है। तो दोस्तों, तीनों पार्टों को हमने जोड़ लिया है। अब इसको हम साइड में, अब हमें 9 बाय 2 इंचेस की ऐसी दो पट्टी कट करनी है। 9 बाय 2 इंचेस की दो पट्टी लेनी है और पट्टी को हमें साइड में से जोड़ लेना है। पट्टी हमारी जुड़ गई है। अब ये जो हमारा पॉकेट वाला पार्ट है उसको लेना है, और ये जो हमने पट्टी लगाई है वहां पे ये जो साइड में स्टिच किया हुआ पार्ट है उसको ऐसे रखना है, और यहाँ से स्टिच को स्टार्ट करके पूरे राउंड में हमें स्टिच करना है। और ये जो दूसरा स्टिच किया पार्ट है वो हमें यहाँ पे सेंटर में ही रहना चाहिए, उसका ध्यान रखना है। अब देखिए, पूरे राउंड में हमने स्टिच कर लिया है ऐसे। अब इसको हम साइड में रख देंगे, और बैक के जो मेन पार्ट है उसको लेना है। अब यहाँ पे हमें स्टिच करनी है, और यहाँ पे स्टिच करके बैक के दोनों पार्ट को हमें अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे भी हमें स्टिच करना है, तो ये पूरे राउंड में मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम बैक को यहाँ कॉर्नर से पकड़ेंगे ऐसे, और 1 इंच पे हमें ऐसे सीधा मार्क करके स्टिच करना है ऐसे। यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करना है, उसके बाद सीधा ऐसे स्टिच करना है। दूसरी साइड भी हमें करना है। तो देखिए, दोनों साइड हमने स्टिच कर लिया है। अब इसको हम सीधा कर देंगे। तो देखिए, मैंने ये सीधी कर ली है। अब ये पार्ट को लेना है, और यहां से हमें इसको ओपन करना है और बैक को इन करना है ऐसे। अब हमें क्या करना है, ये जो स्टिच किया हुआ पार्ट है वो, और यहाँ पे जो पट्टी का स्टिच किया हुआ पार्ट है, दोनों को जोड़ना है, और पूरे राउंड में हमें इसको जोड़ के स्टिच करना है ऐसे।
तो देखिए पूरे राउंड में हमने स्टिच कर लिया है। अब इसको ऊपर की ओर ऐसे खींचना है और यहाँ पे हमें स्टिच करके इसको जोड़ लेना है, जो हमारा खुला पार्ट था। तो देखिए यहाँ पे हमने जोड़ लिया है। अब बैग के अंदर ये जो कपड़ा है उसको हमें इन करना है। ऐसे इन करने के बाद हमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें स्टिच करके पूरे राउंड में प्रेस स्टिच देनी है इस तरीके से। तो देखिए ये प्रेस स्टिच हमने कर ली है। तो ये हमारी सुंदर सी बैग रेडी हो गई। देखिए कितनी प्यारी और छोटी सी बैग हमारी रेडी हो गई। इसमें हमने दो पॉकेट लगाए हैं।